सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे वेट गेन के बारे में। Why I am the best guy to tell you all this? Because मैंने वो जिंदगी जी है। I started my journey when I was 42 kg and over the period of time मैंने 50 kg वेट गेन किया। इसीलिए मैं भली भांति जानता हूं कि वेट गेन करना भी उतना ही मुश्किल है जितना कि वेट लूज करना। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 7 बेस्ट टिप्स टू गेन वेट। और प्रॉमिस है ये वीडियो उन सभी लोगों को बहुत हेल्प करेगा जो कि वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली बिगनर्स। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैलोरी सरप्लस। जिन लोगों को वेट गेन करना है उनको ये बात समझनी होगी कि जितनी कैलोरी वो खर्च करते हैं दिन भर में उससे ज्यादा कैलोरी उनको खानी पड़ेगी। दैट टू एक दो तीन दिन नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी लंबे समय तक आपको पर्याप्त मात्रा में खाना पड़ेगा अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं। अब एक सवाल है कि कितना कैलोरी सरप्लस। बेसिक कैलोरी रिक्वायरमेंट एक इंसान की वेरी कर सकती है उसकी हाइट, एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी पे, बट फिर भी एक थंब रूल है कि जो भी वेट बढ़ाना चाहता है उसको दिन भर में 300 से 500 कैलोरी एक्स्ट्रा खानी पड़ेगी, तभी वो एक हफ्ते में अप्रॉक्सीमेटली 450 ग्राम के करीब वेट गेन कर पाएगा। और जो लोग इससे भी तेजी से वजन बढ़ाना चाहते हैं वो दिन भर में 700 से 1000 कैलोरी भी एक्स्ट्रा खा सकते हैं, बट इतना ध्यान रखें कि एकदम से बहुत ज्यादा कैलोरी सरप्लस ना करें। पहले आप अपनी बॉडी को यूज टू होने दें, क्योंकि हेल्दी वे से वेट गेन करने के लिए आपको एक बैलेंस अप्रोच की जरूरत है। और एक बात का ध्यान रखें कि कैलोरी सरप्लस के नाम पर आप जंक फूड नहीं खा सकते। वजन बढ़ाने के लिए जितनी भी कैलोरी आप सरप्लस करोगे उसमें आपको हेल्दी ईटिंग रखनी पड़ेगी। बट फॉर श्योर अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हो तो आपको ज्यादा खाने की आदत डालनी पड़ेगी। सेकेंड टिप जो कि वेट गेन करने में आपको मदद करेगी वो है चूज लो वॉल्यूम फूड। लो वॉल्यूम फूड वो फूड होते हैं जिसमें कम पोर्शन साइज में आपको काफी ज्यादा कैलोरी मिल जाती है। इससे आपको बहुत ज्यादा भी खाना नहीं पड़ेगा एंड सेम टाइम आपकी डेली कैलोरी सरप्लस रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाएगी। अब ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। लो वॉल्यूम फूड डजंट मीन पिज्जा एंड बर्गर। तो यानी आपको ऐसे फूड आइटम्स का चयन करना पड़ेगा जिनसे कि आपका वेट गेन तो हो पर डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो। और आप लो वॉल्यूम फूड में चूज कर सकते हो ड्राई फ्रूट्स, नट बटर्स, पीनट्स, हेल्दी ऑयल्स, होल मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड कोकोनट मिल्क एक्सेट्रा। तो इस तरह के कैलोरी डेंस फूड को अपनी डाइट में शामिल करने से आपकी वेट गेन की जर्नी थोड़ा इजी हो जाती है। थर्ड टिप मैं आप सभी लोगों को देना चाहूंगा, लिफ्ट वेट। कई बार आप बहुत ज्यादा खाने के चक्कर में अननेसेसरी फैट गेन करने लग जाते हो, तो इसीलिए ध्यान देना जरूरी है कि जितनी भी कैलोरी आप एक्स्ट्रा खाते हो उसको आपको यूज करना है लीन मसल टिश्यू बनाने के लिए। तो खाने के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में वर्कआउट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और वर्कआउट में आप करोगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आपको वेट गेन करना है। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने वर्कआउट शेड्यूल में आप कंपाउंड मूवमेंट को जरूर ऐड करें, लाइक बेंच प्रेस, स्क्वाट, डेडलिफ्ट, मिलिट्री प्रेस एक्सेट्रा। थोड़ा एक्स्ट्रा हैवी लिफ्ट करने की कोशिश करें जिसमें आप 6 to 10 रेपिटेशन का टारगेट रखें। इन बिटवीन सेट आप रेस्ट भी थोड़ा एक्स्ट्रा ले सकते हैं, मींस 2 to 3 मिनट। कार्डियो पे कम फोकस करें बट सेम टाइम कार्डियो को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो यानी आपको हफ्ते में 4 सेशन अच्छे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के करने हैं एंड 2 सेशन आपको लो पेस कार्डियो करना चाहिए। बट एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको हफ्ते में 2 रेस्ट जरूर रखने चाहिए जिस दिन आप कोई वर्कआउट नहीं करेंगे, क्योंकि वेट गेन करने के लिए रेस्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा लर्न द राइट ईटिंग पैटर्न। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि अगर आपको वजन बढ़ाना है
तो आपको बार बार खाना पड़ेगा, मींस फ्रीक्वेंट मील करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप लंबे समय तक कुछ नहीं खाते हो तो आपकी बॉडी स्टोर्ड एनर्जी को यूज कर लेती है, जिससे कि आपके वजन बढ़ने की बजाय वजन घटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दिन भर में आपको कम से कम 3 बड़ी और 3 छोटी स्नैक मील करनी पड़ेंगी, यानी मिनिमम 6 मील अ डे। और हर मील में आपको पोर्शन साइज बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए आप खाने के लिए बड़ी प्लेट का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि आप खाने से पहले पानी ना पिएं। अपनी पानी की रिक्वायरमेंट को आप बाकी दिन भर में पूरा करने की कोशिश करें। खाने की प्लेट में सबसे पहले जगह दें कार्बोहाइड्रेट को, फिर प्रोटीन, फिर वेजिटेबल और फिर सैलेड, अगर आपको वेट गेन करना है। और स्नैकिंग के लिए हाई कैलोरी आइटम्स का चयन करें, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, स्मूदीज, मिल्कशेक, पीनट बटर एक्सेट्रा। और अगर पीनट बटर हाई प्रोटीन हो तो और भी अच्छा, जिसके लिए आप यूज कर सकते हैं पिंटोला का ऑर्गेनिक जैगरी हाई प्रोटीन पीनट बटर। इसको हाई क्वालिटी रोस्टेड पीनट से बनाया गया है, जिसमें वे प्रोटीन का इस्तेमाल किया गया है, जिसको न्यूजीलैंड से इंपोर्ट किया जाता है। 100 ग्राम पीनट बटर में आपको मिलेगा 35 ग्राम ऑफ प्रोटीन विद नो एडेड शुगर एंड सॉल्ट। तो ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है स्नैकिंग के लिए, दैट टू 100% नेचुरल एंड हेल्दी। ये गुड फैट के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आपको प्रोटीन के साथ साथ फाइबर भी मिल जाएगा। पिंटोला का हाई प्रोटीन पीनट बटर USFDA अप्रूव्ड है, और ये ऑर्गेनिक जैगरी फ्लेवर बहुत ही यमी एंड डिलीशियस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, क्लिक करके प्रोडक्ट चेक करें। फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पे कवर करना चाहूंगा, डोंट ओवरथिंक अबाउट प्रोटीन। लोग ज्यादा फोकस करते हैं सिर्फ प्रोटीन खाने पे। आई एग्री कि मसल बनाने के लिए और वेट बढ़ाने के लिए प्रोटीन खाना आवश्यक है, पर जब आप जरूरत से ज्यादा प्रोटीन खाने लग जाते हो तो, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को ज्यादा समय लगता है, इसलिए आपकी भूख कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप उतना नहीं खा पाते जितना आपको कैलोरी सरप्लस के नाम पे खाना चाहिए। तो यानी 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट इज एनफ टोटल नंबर ऑफ कैलोरी का 30 से 35%। पर कार्बोहाइड्रेट खाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का एक मेन स्रोत है, और जब आपको वेट गेन करना होता है तो आपको उस ऊर्जा की अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो टोटल कैलोरी की 50 से 60% रिक्वायरमेंट आपको कार्बोहाइड्रेट से फुलफिल करनी है। बस ध्यान रखें कि कार्बोहाइड्रेट के लिए आप रिफाइंड कार्ब्स ना खाएं, हेल्दी कार्ब्स को चूज करें, लाइक राइस, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ओट्स एक्सेट्रा। और जब भी मील करें तो आपको प्रोटीन एंड कार्ब को 1:3 की रेशियो में खाना चाहिए। बट अगर आपको वेट गेन करना है तो प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दें। 6th सजेशन मेरा आपको रहेगा, ट्रैक योर इनटेक। मींस आपको अपनी कैलोरीज को ट्रैक करना चाहिए कि आप उतनी कैलोरीज जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप खा भी पा रहे हो या नहीं, जिसके लिए आपको उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन करना चाहिए जब तक आपका वेट गेन का गोल अचीव ना हो जाए। सेम टाइम आपको अपनी फूड आइटम्स को मेजर करके खाना चाहिए, सो दैट आपके लिए वो कैलकुलेशन करना इजी हो जाए। और अगर आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं तो आप अपने रिकॉर्ड को रीचेक कर सकते हो कि आपको और कितनी ज्यादा कैलोरी सरप्लस करने की जरूरत है। तो कहने की बात यह है कि अगर आप अपने गोल को लेके सीरियस हो तो आपको अपनी हर चीज को ट्रैक करना चाहिए, उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए। इवन तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अपनी वीकली पिक्चर क्लिक करनी चाहिए, सो दैट आप कंपेयर कर पाओ कि आप में हर हफ्ते कितना परिवर्तन हो रहा है। तो यानी बहुत ज्यादा जरूरी है वेट गेन करने के लिए कि ज्यादा खाना, पर उसका हिसाब किताब भी रखना। 7th and last step मेरा होगा, एड गुड फैट इन योर डाइट। अगर आपको वजन बढ़ाना है तो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के साथ साथ गुड फैट को भी डाइट में शामिल करें, क्योंकि गुड फैट खाने से आपका कैलोरी सरप्लस में रहना आसान हो जाता है, क्योंकि 1 ग्राम फैट में आपको मिलती है 9 कैलोरी। इसके साथ साथ गुड फैट आपकी बॉडी को अच्छी तरह फंक्शन करने में मदद करता है, और विटामिन लाइक ए डी के ई
इनको बॉडी में बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब करने के लिए फैट खाना आवश्यक है। अपने खाने को प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गुड फैट का इस्तेमाल करें, लाइक ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल एक्सेट्रा। और वेट गेन करने के लिए आप घी और बटर को भी डाइट में शामिल कर सकते हो। इसके साथ साथ आप MCT ऑयल, बादाम रोगन, फिश ऑयल एंड फ्लैक्सीड ऑयल को मील्स के बीच में डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हो। इंडिया में हम बहुत ज़्यादा गुड फैट खाने पर फोकस नहीं करते, पर गुड फैट खाना बहुत ही आवश्यक है। और अगर आपको वेट गेन करना है तो आपकी जो टोटल नंबर ऑफ कैलोरी है उसका 15-20% गुड फैट से आना चाहिए। वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे इतनी बात कहना चाहता हूं कि ये तो थे टिप्स, बट किसी भी गोल को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक छोटी सी कैलकुलेशन जैसे मैं किया करता था, एक दिन में अगर आप 6 मील करते हो तो महीने में आप करते हो 180 मील। अब अगर आपको अपने गोल को अचीव करना है तो आपको 180 मील का हिसाब रखना है। अगर आपने एक भी मील मिस की तो यानी आपका गोल आपसे दूर हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म आपको कैलकुलेशन करनी है, ना कि शॉर्ट टर्म। इसके साथ ये भी है कि एक दिन या एक हफ्ते में रिजल्ट नहीं आएगा, आपको महीने दर महीने मेहनत करनी पड़ेगी अपने गोल को अचीव करने के लिए। ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो सभी वेट गेन करने वालों को बहुत हेल्प करेगा। कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें और फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ इस चैनल को शेयर करें। तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद। मैं इसी तरह कॉन्टेंट बनाता रहूँगा, आपके समक्ष आता रहूँगा। टिल देन, गुड बाय, नमस्ते।